आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में कि किस तरह से बीच सड़क पर इस युवक की पिटाई की जा रही है। आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि आखिर ये कौन है। आपको बता दें कि भाजपा किसान मोर्चा के महामंत्री हैं। दरअसल शादी समारोह में शामिल होकर वापस लौट रहे थे। भाजपा किसान मोर्चा के महामंत्री को दूसरे समुदाय के लोगों ने कार से उतार कर जमकर इनकी पिटाई की। पिटाई करने वाले लोगों का आरोप है कि भाजपा नेता ने एक बाइक सवार को टक्कर मार दी और भाग रहे थे। मुरादाबाद के ताजपुर माफी में शादी समारोह से वापस आ रहे भाजपा किसान मोर्चा के महामंत्री दिनेश ठाकुर के साथ शुक्रवार देर रात दूसरे समुदाय के लोगों ने जमकर मारपीट की, कार भी तोड़ने की कोशिश की। मारपीट की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने दिनेश ठाकुर को हमलावरों से बचकर शहर कोतवाली ले आए। घटना स्थल पर पुलिस के पहुंचते ही हमलावर फरार हो गए। महामंत्री दिनेश ठाकुर ने कोतवाली पहुंचकर हमलावरों के खिलाफ तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की। भाजपा नेता पर हमले की सूचना पर भाजपाई एकत्रित होकर कोतवाली पहुंच गए। भाजपा किसान मोर्चा के महामंत्री शादी समारोह में शामिल होकर करीब 12:30 बजे जामा मस्जिद पुल से होते हुए कोतवाली के सामने से होकर बाजारगंज की तरफ से होते हुए सिविल लाइन रामगंगा विहार जा रहे थे। उसी समय कुछ बाइक सवार लोग पीछे से आए और दिनेश ठाकुर की कार को रोका। लोगों ने कार में से उतार कर दिनेश ठाकुर की जमकर पिटाई की। भाजपा किसान मोर्चा के क्षेत्रीय महामंत्री दिनेश ठाकुर पर हमले की सूचना रात में ही भाजपा कार्यकर्ताओं तक पहुंची और एकत्रित होकर भाजपा कार्यकर्ताओं ने कोतवाली पहुंचकर घटना पर रोष जताया, हमलावरों की तलाश कर गिरफ्तारी की मांग की। सीओ महेश चंद गौतम ने बताया कि भाजपा के नेता की तरफ से मारपिटाई की तहरीर मिली है। घटना की जांच की जा रही है। घटनास्थल के आसपास के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है। जांच के बाद जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके बाद आगे की कार्रवाई होगी। दिनांक 20/21 की रात में दिनेश ठाकुर जो महामंत्री है किसान मोर्चा के, उनके द्वारा थाने पर आकर एक तहरीर दी गई है, जिस तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली में तत्काल अभियोग पंजीकृत करा लिया गया है। तहरीर के संबंध में जो तथ्य हैं, घटनास्थल के आसपास के सीसीटीवी फुटेज प्राप्त किए जा रहे हैं, दिनेश ठाकुर का तत्काल चिकित्सीय परीक्षण करा दिया गया है। इस अभियोग में जांच प्रचलित है, जांच के आधार पर जो भी तथ्य निकल के आएंगे उसके संबंध में तत्काल आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। कितने लोगों के खिलाफ अज्ञात में मुकदमा दर्ज हुआ है सर, और जो भीड़ है उसका ये आरोप था कि वो शराब के नशे में थे, तो कि मेडिकल परीक्षण कराया गया, क्या सामने आया? हम लोगों के द्वारा मेडिकल परीक्षण करा दिया गया है। मेडिकल परीक्षण की रिपोर्ट विवेचक के पास मौजूद है। अभी तक घटना में आते समय जाते समय काफी स्थान पर कई अनेक लोग खड़े हो जाते हैं, तो सामान्य रूप से काफी लोग हैं, तो जितने भी लोग इसके अपराध के संबंध में आएंगे उनको चिन्हीकरण किया जाए। देखना होगा कि मामले को लेकर क्या कुछ कार्रवाई की जाती है।